की साखियां पढ़ने वाले हैं जो कि कबीर दास जी द्वारा रचित है। बच्चों कबीर दास जी की वाणी बीजक नाम से प्रसिद्ध है जिसके तीन भागे साखी सबद रमैनी। साखी के कुछ दोहे आपके पाठ्य पुस्तक में है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों साखी का अर्थ होता है साक्षी अर्थात गवाह। कबीरदास जी ने जो भी समाज में देखा अनुभव किया उसे ही उन्होंने दोहे में लिखा है जिसे हम लोग साखी के रूप में पढ़ते हैं। कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियां अंधविश्वास वह अडंबर छुआछूत का भेदभाव इन सब पर करारा प्रहार करते हैं और इन सब का विरोध करते हैं, इसलिए इन्हें समाज सुधारक भी कहते हैं। इनके दोहे जितना सार्थक अपने उस समय में रखते थे उतना ही सार्थक ये आज भी है। आज भी इनके दोहे से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जिसे हम अपने जीवन में रोजमर्रा के जीवन में अगर अपना लें तो हमारा जीवन जो है वो काफी सरल हो जाएगा और हम सही रास्ते का चुनाव कर पाएंगे। आगे हम लोग दोहे को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं, देखते हैं कबीरदास जी अपने साखी के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पहला जो दोहा है कबीरदास जी का, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो मयान। बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि जाति ना पूछो साध की, साध मतलब साधु, और यहाँ पे साधु किसे कहा गया, सज्जन पुरुष को, यानी अच्छे व्यक्ति को जो ज्ञानी पुरुष है उसका हमें जाति नहीं पूछना चाहिए, उसका क्या पूछना चाहिए, ज्ञान, यानी किसी व्यक्ति की कौन सी जाति है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है उसके अंदर क्या गुण है उसे हमें परखना चाहिए, ना कि उसकी जाति को। जाति के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो उसके अंदर कौन सा गुण है उसे ही हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो मयान। कबीरदास जी कहते हैं हम लोग जब अगर तलवार खरीदने जाएंगे तो हम लोग किसका मूल्य देंगे, तलवार का, ना कि उसके मयान का। तो हम लोग महत्व किसका है, तलवार का है, उसके मयान चाहे उसका मयान कितना भी सुंदर हो लेकिन अगर उसके अंदर जंग लगा हुआ तलवार हो तो हम लोग उसे नहीं खरीदेंगे। उसी प्रकार से हमें किसी भी व्यक्ति के गुणों का महत्व देना चाहिए ना कि उसकी जाति का। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं जाति ना पूछो साध की, हमें किसी सज्जन पुरुष की, अगर कोई सज्जन पुरुष हमारे पास आए तो हमें उसकी जाति नहीं बल्कि उसके ज्ञान को परखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो पुरुष सामने जो बैठा है वो कितना ज्ञानी है और हम उससे क्या ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को। चलो अगली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। आवत गारी एक है उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अब कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है, आवत गाली एक है, यानी जब हमें कोई गाली देता है तो वो कोई एक गाली होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे उलट कर दे देते हैं, अगर कोई हमें गाली दे और उसे उलट कर हम भी गाली दे देते हैं फिर उधर से वो हमें गाली देगा फिर हम गाली देंगे, ऐसे क्या होगा, ऐसे एक गाली अनेक गाली बन जाएगा। यानी कोई भी चीज अगर कोई हमें बुरा भला कह रहा है और हम भी उसे बुरा भला कहते जा रहे हैं, उससे लड़ते जा रहे हैं, तो वो बात बढ़ जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस गाली को उलटिए मत, यानी अगर कोई हमें एक गाली दे रहा है आप उसे उलटकर गाली मत दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, वो एक गाली एक ही बनकर रह जाएगा, यानी वो खुद शांत हो जाएगा, वो खुद आगे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जैसे ही वो एक गाली देगा और हम भी उलट के उसे एक गाली देंगे तो एक गाली अनेक गाली में बदल जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं बात बढ़ाने से अच्छा है अगर वहीं पर हम शांत होकर बैठ जाएं तो हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और वो लड़ाई वो झगड़ा वो गाली एक ही गाली बनकर रह जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशा फिरे यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं माला तो कर में फिले, कर मतलब हाथ, तो माला जब हम लोग माला जपते हैं तो वो हमारे हाथ में फिरता है, मतलब घूमता है, हम लोग ऐसे ऐसे जपते हैं ना माला, तो
तो जब माला तो कर में फिरे, यानी माला जो हम लोग जपते हैं वो तो हमारे हाथ में घूमता है, और जीभ फिरे मुख माही, और जीभ हमारे मुख के अंदर जो जीभ है वो कहाँ घूम रहा है, वो मुख के अंदर घूम रहा है। हम लोग राम राम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, माला फेर रहे हैं, यानी माला हमारे हाथ में घूम रहा है और मुख के अंदर हमारा जीभ घूम रहा है और हम राम राम का जप कर रहे हैं। लेकिन मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नहीं, लेकिन हमारा जो मन है वो भक्ति में नहीं है, वो दसो दिशा माने हर तरफ घूम रहा है। यानी हम हाथ में माला अगर फेर रहे हैं और मुख से भी हम राम राम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो हरे कृष्णा नहीं है, वो हर भगवान के उपासना में नहीं लगा है, वो चारों दिशा में घूम रहा है। यानी जैसे हम लोग पूजा करने बैठे हैं और हम पूजा कर रहे हैं, मुंह में भी बोल रहे हैं राम जी का नाम ले रहे, कृष्ण जी का नाम ले रहे, लेकिन हमारे मन में चल रहा है कि अच्छा अभी मम्मी मुझे मेरे लिए कुछ अच्छा खाना व्यंजन बनाई होगी, मुझे वो खाना है, या हम मुझे कहीं घूमने जा रहे हैं, हम वो सोच रहे हैं कि हमको वहाँ घूमने जाना है, ठीक है, या तरह तरह की बातें, या हमारे मन में कुछ गाना भी चल रहा है, या जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा है कि माला तो हम फेर रहे हैं मन में, माला तो हम हाथ में फेर रहे हैं, मुख से राम राम कह भी रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन चारों दिशा में घूम रहा है, तो ये भगवान की आराधना का सही तरीका नहीं है। भगवान की आराधना तभी सफल होगी जब हम मन से भी भगवान को याद करेंगे, यानी हमारा मन भी हरे कृष्णा हरे राम जब कहेगा, जब हमारे मन हमारा जो मस्तिष्क है वो भी जब एक जगह स्थिर रहेगा, तो ही सुमिरन करने का, तो ही भगवान की पूजा करने का हमें फल मिलेगा। नहीं तो हमारा दिमाग जो है वो अगर चारों दिशा में घूम रहा हमारा मन, तो वो सुमिरन करने का, वो स्मरण भगवान को याद करने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। कबीर घास ना निंदिए जो पाओ तली होए, उड़ी पड़े जब आखी में खरी दुहेली होए। अब देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कबीर घास ना निंदिए, घास जो हमारे पैर के नीचे होता है उसकी निंदा हमें कभी नहीं करनी चाहिए, यानी हमसे जो छोटे हैं उसकी निंदा हमें, उसे छोटा कभी नहीं समझना चाहिए, उस पर अत्याचार हमें कभी नहीं करना चाहिए। कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होए, यानी हमारे पैर के नीचे, पाँव तली होए यानी पैर के तल के नीचे जो घास होता है उसकी निंदा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, वही घास जब तिनका बनकर हमारे आँख में पड़ जाए, तब क्या होगा, मैं आँखी में करी दुहेली होए, तब हमारे आँख में जब वो तिनका पड़ जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। यही इसी तरह का कविता एक आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा है, एक तिनका, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हमें यही बताते हैं कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका जब हमारे आँख में पड़ जाए तो एक छोटी सी वस्तु भी हमें बहुत तकलीफ पहुंचा सकती है, इसलिए हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक वही यहाँ पे कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि हमें कोई वस्तु अगर छोटी है, कोई वस्तु अगर तुच्छ है, तो भी हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हमें सभी को एक समान देखना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए, कभी किसी छोटे पर किसी कमजोर पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। बच्चों यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम अपने मन को शीतल रखेंगे, अगर आप अपने मन को शीतल रखेंगे, आपका मन अगर सच्चा है शुद्ध है, तो संसार में कोई भी आपका बैरी यानी कि दुश्मन नहीं होगा, कोई भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। अगर आप सबका भला चाहेंगे, आपका मन शुद्ध होगा, तो कोई भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, कोई भी आपका बैरी नहीं होगा। आगे कबीरदास जी कहते हैं या आपा को डारी दे, आपा यानी कि घमंड, या तो आप अपने घमंड को डार दीजिए यानी कि त्याग दीजिए। अगर आप अपने घमंड को त्याग देंगे तो
तो भी संसार में हर कोई आप पर करुणा दिखाएगा, दया दृष्टि रखेगा और आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। यही कबीरदास जी हम सबसे कहते हैं कि हम सबको अपने मन के अंदर का जो घमंड है उसे त्याग देना चाहिए, तभी संसार में हर कोई एक दूसरे का साथी बनेगा, हर कोई एक दूसरे पर स्नेह रखेगा और एक दूसरे की मदद करेगा। तो बच्चों आपको ये कविता, ये जो दोहा है मैंने जो समझाया वो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।